ਦੀਆਂ ਲੜਕਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਬਸ ਡਾਂਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਨੱਚਣਾ चैनल गाइज आपने देखा ना अभी कि अंदर चल रही हैं बोलियाँ क्योंकि मैं आई हूँ तियां दे मेले थे पता नहीं आपको मेरी आवाज़ सुन रही है इससे ज़्यादा ऊँची नहीं तो आप इंजॉय कीजिए तियां दा मेला मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ में कि हमने खाए हैं समोसे और पकौड़े और साथ साथ में मैं आपको दिखाऊंगी और क्या क्या यहाँ पे हो रहा है बोलियाँ एंड ऑल दैट फंक्शन एंड मेरा आउटफिट थोड़ा बहुत मुझे आया हुआ पर पीना तो गर्मी होने की वजह से बोलियाँ वगैरह डालने के बाद मैं जैसे गई तो पर उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो अभी हम सब बाहर मूव हो गए हैं मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाती हूँ आइडिया कि कैसी जगह थी और क्या थी और बहुत अच्छा मतलब मज़ा आ रहा है प्रोग्राम इंडियन फंक्शन हो यहाँ का मेला और अच्छा लगा मिले थे चाय और पकौड़े जो कि अभी भी हैं अवेलेबल अगर आपको खाने हैं तो खाइए क्योंकि पकौड़े सी कि बाहर का कैसे है पता क्या है इतनी ज़्यादा लाइट है ना तो मैं तो लेंस के साथ आँखें नहीं खोल सकती सो प्रिपेयर लो जी हूँ असं तैयार हूँ बोल सकते हैं आइज़ भी खुल सकती हैं अच्छा मैंने ना आज पंजाबी जुत्ती डाली मैं आपको दिखाती हूँ सो लेट्स गो अभी दिखाती हूँ कितने सारे लोग आए हुए हैं सभी इंडियन आउटफिट्स में हाँ फिर पूल भी है पूल में फोटो शूटिंग्स हो रही है लोगों की मैं आपको दिखाती हूँ पटोला बन के नी मैं नचा पटोला बन के नी
पहले से ना, अच्छा रहता है जब ऐसे फेस्टिवल हो इतना डालें। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। बस यहाँ पे फेस्टिवल में आके एक पानी में डुबकी लगाने की कसर रह गई थी बच्चों की। इतना से कभी पूल नहीं देखा, 24 घंटे ऐसे घर पूल च बने रहने हैं। वेकेशन तो भी होके आए हैं पर असं तभी पूल के भी चलते बने, जिदा अस कभी पूल नहीं देखा होंगे हूँ मैं की करा। आप सब लोगों ने ये तिया का मेला का व्लॉग इंजॉय किया होगा, इंजॉय किया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए विशनेस विद निधि को गाइस। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा हैशटैग ऑलवेज विशनेस विद निधि है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शक्ल से थोड़ी सी तो गाइस बिगड़ गई है, बट अभी जब हम पहले आए थे तब स्नैक्स लिया था लाइक समोसा एंड पकौड़ा, और अभी डिनर मिलेगा, डिनर होने वाला है तो डिनर सर्व होने वाला है, फिर उसके बाद डिनर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर में क्या खाया। तो मेरे पास गाइस था नहीं रबर बैंड तो बालों को टाई करने के लिए, डांस करते करते मैं थक गई थी तो मैंने लगाया है ये मास्क एक। तो ये आपको डिनर मास्क कैसा लग रहा है रबर बैंड बताइएगा।